स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के अध्यक्ष सोमा मंडल ने रावघाट परियोजना पर काम शुरू करने के लिए वहां का मुआयना किया। सेल अध्यक्ष ने अंतागढ़ के डीएवी स्कूल और रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने रावघाट परियोजना और सीएसआर मद से सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों को निर्देश दिए। सेल अध्यक्ष ने स्कूली बच्चों से बातचीत की और अधिकारियों को शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा बेहतर करने को प्रेरित किया। उन्होंने क्षेत्र का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से काम के शुरू होने तक खदान के साथ साथ आसपास में शिक्षा और चिकित्सा सहित दूसरी सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में भी काम किया जाए। सेल अध्यक्ष ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में कहा कि खदान का काम शुरू करने के साथ ही इलाके का विकास भी सेल की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चे प्रतिभाशाली हैं जो निश्चित तौर पर ऊंचाइयों को छुएंगे। यहाँ रावघाट में हम लोग का माइनिंग, हम लोग का रिजर्व्स है, वहाँ हमको माइन स्टार्ट करना है क्योंकि हमारे भिलाई स्टील प्लांट का जो है एग्जिस्टेंस और सस्टेनेंस है अल्टीमेटली रावघाट से ही आएगा। डाली रजारा भी खत्म होने वाला है और यहाँ को कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो माइंस का डेवलप करने के साथ साथ हमको इस एरिया को कैसे डेवलप कर सकते हैं वो भी हमारा एक काम है जो हमको करना है। सो अभी आए हैं ये स्कूल देखने के लिए कि हम लोग कैसे स्कूल चला रहे हैं, बच्चे इतना अच्छा से अच्छे बच्चे हैं, इतने एक्टिव है, वो सब देख के अच्छा लग रहा है। और हम और क्या कर सकते हैं इस एरिया में, स्कूल का क्या प्रॉब्लम है कि हम माइंस को हम कैसे 2025 तक, अभी तो इंटरिम माइनिंग चल रही है, उसके बाद 2025 से हम लोग का MDO स्टार्ट हो जाएगा, रेलवे लाइन भी हो जाएगी, तब तक हम कैसे क्या क्या करना है, इस एरिया को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और वो सब के लिए आए हैं। आपको बता दें कि सेल अध्यक्ष भिलाई इस्पात संयंत्र और उसकी खदानों का दौरा करने के लिए छत्तीसगढ़ आई हैं।